सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनुष्य मात्र के पास में चार प्रकार की वाणी है सज्जनों माताओं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये चार वाणी हमारे पास में है, उसमें भी बहुत कम ही लोग ऐसे हैं कि जो चारों वाणी का प्रयोग कर पाते हैं। परावाणी कहां होती है? परावाणी नाभि देश में होती है। जब आप नाभि से कोई बात कहते हैं, विशेष पुकार होती है, नाभि देश से कहते हैं, उसको कहते हैं परावाणी। परावाणी से कही गई बात सदा सत्य होती है, श्राप या आशीर्वचन यहीं से निकलते हैं। दूसरी वाणी होती है हृदय देश में, पश्यंती। ये भी प्रायः सत्य ही होती है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को हृदय से आशीर्वाद देते हैं, ये पश्यंती वाणी। कंठ से बोलनी जाने वाली वायु को हम लोग नाद को कहते हैं, वाणी को मध्यमा, जो कंठ से बोली जाती है। प्रायः हम सभी कंठ से ही बोलते हैं मध्यमा। मध्यमा से कही गई बातों में दिन भर में 24 घंटे में एक दो बात हमारी सत्य अवश्य होती है, और जो केवल तालु के स्पर्श से कही जाती है, जिह्वा और तालु के स्पर्श से केवल जो शब्द फूटते हैं, उसको वैखरी वाणी कहते हैं। इस वाणी का कोई अर्थ नहीं, प्रायः 99% लोग वैखरी वाणी का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें खट्टा मीठा, दुरुक्तियां, व्यर्थ के बकवाद, ये सब वैखरी वाणी में बोले जाते हैं।